मोदी जी को ये प्रोजेक्ट करते हुए जैसे बागेश्वर धाम आए, मेरी जानकारी है कि तीन वीडियोस हैं, उनमें से एक बागेश्वर धाम का है। बागेश्वर धाम के ऑफिशियल चैनल से कभी हो ही नहीं सकता है, न ऐसी भूल हो सकती है, क्योंकि हमने कभी ऐसी इजाजत नहीं दी। ये बहुत बड़ी गलतियां हैं। टीआरपी के चक्कर में रोज तो लोग हमारी शादी करवा देते हैं। यूट्यूब पर आपने सिर्फ ये भर देखा, ये भी तो देखिए कि हर बार हमारी लड़की बदल दी जाती है। हैप्पी बर्थडे कहीं ये कह दिया जाता। एक ने न्यूज डाली थी बागेश्वर सरकार 23 तारीख को प्रणय सूत्र में बनेंगे, संतों के फोन आने लगे। तो ये सिर्फ मीडिया पर, चूंकि बागेश्वर धाम बहुत सर्च हो रहा, और हनुमान जी भला सर्च हो क्यों? हनुमान जी तो लोगों की श्वास में, ये पवन पुत्र हैं, तो लोग बागेश्वर धाम बालाजी के नाम से सर्च करते हैं, तो लोगों को जो कुछ यूट्यूब वाले, सब नहीं, कुछ यूट्यूब वाले हैं जो अपनी व्यूअरशिप बढ़ाने के चक्कर में इस प्रकार का कुकृत्य करते हैं, जो दुष्प्रचार है। और बागेश्वर धाम ने इस पर अनेक बार कार्रवाई भी की, उनके खिलाफ नोटिस भी भेजा और अनेक बार डिस्क्लेमर भी बागेश्वर दरबार में हमने दिया है कि किसी भी प्रकार की भ्रामक जानकारी से बचें। धाम का इस प्रकार कोई भी लेना देना नहीं है, ये खुद की निजता के साथ वो बेफुजुली के कार्य कर रहे हैं, और बागेश्वर धाम इसके लिए कानूनी कार्रवाई भी करवा